हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी स्टडी अबाउट सब्जेक्ट जीके। स्टूडेंट्स, आपके पास ये बुक होगी ना, पिक्टोपीडिया, क्लास LKG। आपके पास हेलो किड्स फॉर अ बेटर फ्यूचर पिक्टोपीडिया ये बुक होगी। इस बुक को ओपन करिए, इसको खोलिए। स्टूडेंट्स, मैं देखिए, मैंने इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था माई फैमिली, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं, है ना। और हमने आपको आपसे क्वेश्चन भी किया था कि हाउ मैनी मेंबर्स इन योर फैमिली, ठीक है। तो देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली या 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, मैंने आपको बताए थे ना, ये दिया हुआ है बुक में, फादर, मदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, मी। तो मैंने इसकी हिंदी भी आप लोगों को ऐसे लिखवाई थी, मदर मतलब माता जी, फादर मतलब पापा जी, ब्रदर मतलब भाई, सिस्टर मतलब बहन, ग्रैंड फादर दादाजी, ग्रैंड मदर दादी जी, और मी किसके लिए यूज करके करते हैं, मैं के लिए, खुद के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया था ना। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैं आज आपको लोगों को इसके, ये मैंने पढ़ाया था और इसके क्वेश्चंस थे ना, डू यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली, क्या आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, यस। डू यू हैव एनी सिस्टर्स, नो या यस, अगर हैं तो यस वरना नो। इज योर मदर अ हाउस वाइफ, अगर आपकी मदर जॉब करती है तो आप लिख देंगे नो, और अगर नहीं करती है, हाउस वाइफ है, तो आप क्या लिखेंगे, यस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों को लर्न करने के लिए और राइट करने के लिए दिया था। आई होप आप लोगों ने इसको लर्न और राइट कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद आज हम आप लोगों से कुछ जीके के जनरल क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टुडे इज डेट 15 ऑफ मे 2020, सब्जेक्ट जीके, क्लास LKG, ठीक है। जैसे व्हाट इज योर नेम, पेरेंट्स प्लीज़ ध्यान दीजिए और इन क्वेश्चंस को बच्चों की कॉपी में लिख दीजिएगा, उसके बाद इनको लर्न कराएगा। व्हाट इज़ योर नेम, तो आप क्या होगा, माई नेम इज़, आपका नाम जो भी होगा, माई नेम इज़ आकांक्षा, माई नेम इज़ सुमित, या जो भी आपका नाम होगा, आपका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। ओके, व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़, ये ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज योर फादर नेम, आपके पापा का क्या नाम है, तो आप लोग बताते हैं ना, आपकी मैम ने सिखाया होगा आपको PG क्लास में, माई फादर नेम इज मिस्टर, जो भी आपके पापा का नाम होगा। ये क्वेश्चंस मैं आपसे हमेशा पुट अप करती आई हूँ, असेंबली के टाइम मैंने आपसे हमेशा ये क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। उन्हीं का मैं फिर से रिविज़न करा रही हूँ, उसके बाद आगे मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चंस करवाऊँगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज योर मदर नेम, तो आप क्या करेंगे, माई मदर नेम इज मिसेस, पापा के लिए क्या लग जाता है, MR, मिस्टर, ठीक है, मिस्टर। और लेडीज़ के लिए जो मैरिड होती हैं लेडीज़, उनके लिए क्या लगता है, मिसेस, क्या लगता है, मिसेस, MRS, मिसेस, और अपनी मम्मी का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो आई लिव इन, जहाँ पे रहते हो आप वहाँ की जगह का नाम लिखना है, तिंदवारी, मुंगूस, बांदा, बेंदागाट, या फिर जो भी आपका, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पे आपका नाम यहाँ पे लिखना है और इसको याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान से लर्न करिएगा और पेरेंट्स प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, इन क्वेश्चंस को बच्चों की कॉपी में, इंग्लिश की कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इनकी जीके की कोई कॉपी नहीं होगी, इंग्लिश की कॉपी में इनको नोट डाउन कर दीजिएगा आप देख के। और यहाँ पे जो भी बच्चे का नाम, फादर नेम और मदर नेम आपको लिखना है, और जहाँ रहते हैं वहाँ पे लिखना है, और उसके बाद इन बच्चों को, इन क्वेश्चंस को प्लीज़ हेल्प करिएगा उनको लर्न कराने में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।